फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग और कैसा लगा आज का एपिसोड? और जितने लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पहले दबाइए, रिव्यू भी देख लीजिए। हाँ, जो पहले लोग सब्सक्राइब बेल आइकन दबाइए और उसके बाद हम बातें करेंगे बिग बॉस मराठी के बारे में। तो हम बातें करते ही रहते हैं हमेशा ही, तो इसलिए आज मैंने बोला कि पहले सब्सक्राइब कीजिए। ओके तो चलिए हम बातें करते हैं आज के एपिसोड तो किसको किसको आज का एपिसोड गए बहुत अच्छा लगा और किसको किसको ओके ओके लगा, किसको किसको ठीक है बोरिंग बहुत लगा। तो आज के एपिसोड में ऐसा लगा कि जितने लोगों को डांट पड़ी थी कल, आज नहीं, उनकी बट एक क्वेश्चन खुन्नस और, एक निकल रही क्वेश्चन और थी। कल कल के क्वेश्चन के लिए पूछना चाहिए। कौन कौन अभी कल के एपिसोड के हैंगओवर से अभी तक उतरे नहीं है, जिस किसका हैंगओवर अभी तक उतरा नहीं है? सही सवाल यही रहना चाहिए। कल का जो एपिसोड महेश मांजरेकर का जो सबसे धमाकेदार, मतलब कि आज तो, मतलब कल, सॉरी, अभी तक मैं खुद नहीं अभी तक हटा हूँ उस हैंगओवर से। तो मैं आ नहीं पाया बिकॉज कुछ काम आ गया था मुझे, बट आई रियली, मैं सुन रहा था बैकग्राउंड में, सारा एंड सब कुछ सुन रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो हेलो एवरीवन, यस, आप कंटिन्यू। यस, आज का एपिसोड सबने अपनी अपनी खुन्नस निकाली और रेशम कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी, यानी कि वो महेश जी का गुस्सा वरसाई और मीका को पर डराम 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 बम फोड़ रही थी। ऐसा लगा कि भाई मतलब क्या करना क्या चाहिए, और उसको ना एकदम बात करने का तरीका ही नहीं है। आई नो गुस्सा आता है, हर किसी को आता है, जैसे सई भी कभी कभी काफी अग्रेशन में बोलती है, नो डाउट। आज भी वो बहुत टाइम बोली जो किशोर और आस्ताद को बोली, तो बहुत एग्रेशन में बोल रही थी, बट वो उसका एग्रेशन ना इतना एग्रेशन नहीं दिख रहा था, उसका लग रहा था कि हाँ वो गुस्से में है। बट रेशम जो बोल रही थी, तुम्हें क्या लग रहा था कि रेशम क्या कर रही थी उस टाइम पे? मतलब वो ऐसा होता है ना कि जैसे कभी सपोज मान लो कि हम लोग घर गए, ठीक है, और तुम मेरे पे बहुत गुस्सा हो, अब तुम किस पे उतारोगे? तुमको और एग्जाम्पल नहीं मिला था? मतलब तो और तुम अपने छोटों पे उतारोगे, तो एग्जाम्पल वही हुआ। तो नहीं बजरेकर पे तो उतार सकती नहीं थी, बजरेकर जीत पे तो उतार सकती नहीं थी मिला पब्लिक टेलीविजन पे, तो उतार दिया भाई। चलो सही वेगा पे उतार दिया, सही पे तो चलो ठीक है, उतारा उसको, कुछ कुछ बोला, टॉपिक बोला, बट क्या कर सकते ये अभी दिखा। एक्चुअली हम लोग कुछ देख रहे थे तो कंफ्यूज हो ओके, गए। सॉरी, हम लोग डाइवर्ट हो गए। तो एनीवेज, लेट्स फोकस हियर। तो सबसे अच्छा कल का एपिसोड था, आज का एपिसोड चलो ठीक है, उतना खास खास नहीं था, बट ठीक है, मजा आ गया। हाँ, तो काफी चीजें हुई, लाइक स्मिता ने बोला जाके सई के बारे में काफी चीजें बोली कि तुम इमेच्योर हो, तुम में ईगो है। रेशम ने जो बोला कि तुम में बहुत ईगो है, तुमसे ऊपर तुम्हारा ईगो है, तो वही सेम चीज मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये चीज रेशम के साथ जरूर है। आई डोंट नो कि मतलब मुझे नहीं लगता है कि सई के साथ है, नो डाउट, बट बहुत ज्यादा नहीं है जितना ऋषम को ईगो बहुत प्रॉब्लम है। और वो सिर्फ अपना देखती है, वो ये नहीं सोचती कि कौन क्या कर रहा है, मुझे ये मुझे वो। लाइक महेश जी ने भी कल ये बात बोली थी कि तुम्हें लगता है कि तुम ये तुम यो तुम्हारा तकिया कलाम ये बन गया है, तो ये चीज जो चल रहा था वहीं पे आस्था की बातें सब बातें सब अपना खुन्नस निकाल रहा था। एंड कॉलर ऑफ द वीक वो इज फेक टोटली फेक। मतलब आज तो लग रहा था कि क्या कॉलर पे भी क्या चल रहा है, और रेशम जैसे सर पकड़ के बैठी थी। और ये बालों का इशू उठाना, बालों का मतलब महेश जी बालों का इशू उठा रहे हैं कि भाई जो तुम वॉशरूम में बालों का बात क्यों, तो क्यों क्या कर क्या रहे थे वो? उसको बाद में, बस 10 दिन 20 दिन ही बचे, रेशम अरे आके तो फिर बालों बालों का सुनाएगी। मतलब ये इशू क्या होता है? गर्ल्स टॉक था, गर्ल्स डिस्कशन चल रहा था, इस बात का अल्लाह है। अब रेशम को तो चांस मिल गया, वो और बोली, तो ये क्या था मेरे बालों का इशू निकालना, बाल की खाल बालों की खींचना। खाल। ओके, तो आज का एपिसोड ऑलमोस्ट ठीक था, एवरेज था, बट कल का एपिसोड सुपर बेस्ट था, सबसे बेस्ट कल का एपिसोड था। अगर किसी को याद होगा, मेमोरीज होगा, अगर बिग और बॉस मराठी के बाद, तो कल का एक्चुअली महेश एपिसोड जी हमेशा घर एवरेज। जाएंगे ना, घर जाके ट्विटर खोलेंगे, हाय इतनी तारीफ, तारीफ पे मत तारीफ, तारीफ तारीफ पे पे तारीफ। तारीफ, इतनी तारीफ ऐसा मैंने पहले क्यों नहीं किया। चलो, देर है दुरुस्त है, मैं तो ये बोलूंगा देर है दुरुस्त है। और और आज सबकी जिस तरह से सब मजे ले रहे थे, बाद में जो सई पुष्कर इन सबका जो मजाक उड़ा रहे थे ऐसे ही कि वो ज्यादा ऐसे करती है, तुम चिड़चिड़ करती हो, मेघा को तुम एक्सप्रेशन देती हो, ये सारी चीजें जो कर रही थी, सब हंस रहे थे, नो डाउट। इवन आस्ताद भी कहीं ना कहीं हंस रहा था, बट रेशम का फेस देखा तुमने? रेशम तो चुप,
रेशम बार बार उधर ही देख रही थी कि मैं निकलूंगी महेश जी, मैं आपको बताऊंगी। और वो महेश जी तो बोलती नहीं, वो महेश बोलती, बट हम लोग ड्यू रेस्पेक्ट में नहीं बोल सकते महेश, तो ठीक है। और दूसरी 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 गोष्ठी दूसरी चीज ये कि रेशम साई को बोलते बोलते एक चीज बोल दी जो कि हो सकता है कंट्रोवर्शियल बन जाए, बाद में कोई किसी इसका वीडियो भी बना दे, कि उसने कहा कि साई का जो ईगो है उसके एज से या उसके हाइट से जो भी है ऐसा ऊपर है, बट मुझे यहाँ मुझे लगा कि जो जिसको ईगो है वही खुद बोल रही है। मतलब होता है ना कि हम लोग अगर कुछ बोलते तो पहले अपने गिरवान में झांक लो कि भाई, या हाँ, तो तुम्हारे वो फेमस वो कहावत है कि अपने दिल से जानिए पराए दिल का हाल, ये लाइन मैं हमेशा बोलती हूँ। तो मतलब वो बंदी बोल रही है जिसको ईगो का मतलब कि वो अपर माउंट एवरेस्ट ईगो की, और वो बोल रही कि तुम्हारा। और सेम चीज रेशम ने क्या बोला कि तुम किसी को बोलने से पहले सोचा करो कि तुम क्या बोल रहे हो तब बोलो, तुम मतलब कुछ भी बोल देते हो। मतलब सही को क्या करना चाहिए, सबसे पहले जाके रेशम के पास जाए, रेशम ताई मैं आपके बारे में ये बोलना चाहती हूँ इन फ्रंट ऑफ कैमरा, मैं आपके बारे में ये बोल सकती हूँ? हाँ, तुम पहले दिखाओ क्या क्या बोलने वाली हो, किस एक्सप्रेशन में बोलने वाली हो, अच्छा इसमें ये हटा देना, इसमें वो हटा देना, अब बोलना, ठीक है। और वो बोलते समय जब वो टास्क कर रही थी, जब वो कैप्टेंसी का टास्क था, ऐसे करके धक्का दे दी, मान लो अगर कोई एक्चुअली कुछ हो जो सकता बाल था। वाला डिस्कशन हुआ, बट ये कैप्टेंसी टास्क क्यों नहीं डिस्कशन हुआ कि तुमने धक्का दिया, राइट? ये पॉइंट बहुत सही पॉइंट बोला तुमने, पुष्कर मुझे एक्चुअली याद है। पुष्कर ने भी बहुत अच्छी बात बोली कि उस्ताद को कि हम लोग एक्टर्स है, 50% लोग को हमारे पसंद आएंगे, 50% को हर चीज को हम सैटिस्फाई नहीं कर सकते। मुझे लगा तो मुझे ना एक्चुअली अपने वीडियो का ध्यान आया। नहीं तो मैंने ये पॉइंट क्यों उतारा, क्योंकि मैंने अभी कुछ नेगेटिव कमेंट्स देखे, तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग एक्टर्स नहीं है, बट हम लोग जो बोल रहे हो सकता है आपको सैटिस्फाई नहीं कर पाए हो, बट जिनको भी सैटिस्फाई कर पा रहे हो उनके लिए हैट्स ऑफ, और जिनको नहीं कर पा रहे हो आप सुनिए या आप रहिए या दूसरे चैनल में जाइए। बट मुझे यहाँ तक पता है कि रेशम के सपोर्टर्स के चैनल अब तो कोई है नहीं, तो आपको इधर ही रहना। एक्चुअली मैंने भी काफी सारे देखे हैं। ओके, सो एनीवेज, और दूसरा चीज ये है, दूसरा चीज मैंने ये देखा है, मैंने ये नोटिस किया है, आज मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि बहुत दिन के बाद मेरे भी अंदर बहुत सारे बड़ास थे आप सबसे मिलने के लिए। तो आज मैंने क्या नोटिस किया कि रेशम जो गुस्सा कर रही थी वो ऐसा कहीं ऐसा नहीं लग रहा था कि किसका गुस्सा किसके ऊपर, ऐसा कुछ लग रहा था प्रॉपर, मतलब जो महेश जी ने उन्हें डांटा था ना उसे, तो वो अब उसे तो सुना नहीं सकती थी, जो लाइक तुमने एग्जांपल दिया मेरा तो कि अब किसे बोलेगी, तो मौका मिला सही और बेगा को, मतलब मौका मिलेगा तो हम बता देंगे कि तुमसे कितनी नफरत है हमें। ओके, बट मेघा ओवरऑल जो मेघा ने जो बोला जिस अंदाज में बोला, appreciate really, बहुत अच्छे से बोला। Actually, मेघा जो बोलती है ना वो बहुत स्वीटली बोलती है और एकदम परफेक्ट रिप्लाई करती है, मतलब उसे पता है कि किस बात का कौन सा रिप्लाई करना है। और उसके कुछ कुछ डायलॉग्स मैं भी यूज करूंगा, जैसे उसने बोला मैं एयर हूँ मुझे आप पकड़ नहीं सकते हो, तो मैं भी बोलूंगा मैं भी हवा हूँ मुझे पकड़ नहीं सकते हो। ओके, तो अब हम और कुछ बचा है टॉपिक में बात करने का? नहीं, आज मेघा की बात मैं करना चाहती हूँ। लोग मुझे बोलते हैं कि पीआर है एंड ऑल, अब मुझे सीरियसली फर्क नहीं पड़ता, लाइक शिल्पा को मैंने सपोर्ट किया, शिल्पा की पीआर थी, मेघा को सपोर्ट कर रही हूँ, मेघा पीआर है, मेघा की पीआर हूँ मैं। बट एक चीज आप लोग ने नोटिस किया कि अगर मैं पीआर हूँ तो जिन लोगों को पसंद आ रहा है ये बात, और जो लोग आई थिंक मैक्सिमम लोग, पीआर आई डोंट नो, मैंने बस इतना ही, अरे आप पैसे ले तो पता नहीं आपको पीआर, पीआर का मतलब शायद ये होता है कि मतलब उससे पैसे मिले हो, जितना मेरे पैसे मिले मुझे जहाँ तक पता है पीआर इज पब्लिक रिले, पता नहीं मैं भी नहीं जानता हूँ पीआर का मतलब क्या होता है, यहीं से मुझे पता चला कि पीआर भी होता है, मुझे कुछ नहीं पता था, और मैं इसका पूरा सर्च करूंगा कहाँ कहाँ पैसे छुपा के रखे। एक्चुअली मैंने जब हीना प्रियांक को बोल रही थी ना कि तुम्हारा पीआर तुमको मैनेज कर रहा होगा बाहर जो भी गलत हो रहा है, उस दिन मुझे समझ में आया कि पीआर का मतलब क्या होता है। पब्लिक रिलेशन, संगीता शिवरम ने बोला, थैंक यू बट मुझे एक चीज और जो बोलना है कि मेघा एक्चुअली जो रिप्लाई करती है बहुत परफेक्ट रिप्लाई करती है, कि एक जगह पे बहुत टाइम क्या होता है ना, हमारे साथ भी होता है आपके साथ भी होता होगा कि कुछ ऐसा डिस्कशन चल रहा है, आपको उस समय समझ नहीं आएगा कि आपको क्या बोलना, आप ऐसे इग्नोर कर दोगे या कुछ बोलोगे नहीं, बट बाद में आपको रियलाइज होगा अरे शिट यार ये जवाब दे सकते थे, अरे शिट यार वो बोल सकते थे। बट उसके उस बंदे में ना ये है कि उसको पता है कि कौन सा बात किस वे में बोलना है, कौन से बात को कहाँ पे रखना है, और मजाक में किस बात को लेना सब पता है उसको, मतलब और पूरे पब्लिक के व्यू से वो करती है। अब चाहे वो उसका प्लान हो, प्री प्लान हो या कुछ भी हो, बट वो पब्लिक को खुश करने का ट्राई कर रही है, और पब्लिक खुश है
उससे, तो दैट्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंसान क्या है बिग बॉस के घर में ये लोग देखने हाँ, आते वो चीज भी बहुत अच्छा बिग बॉस के घर में उसने. कौन एक्टर है, डांसर है, क्या है, वो कोई नहीं देखने जाता है, क्योंकि बड़े बड़े एक्टर फेल होकर चले जाते हैं हाँ. और छोटे छोटे लोग बहुत ऊपर उठ जाते हैं, राइट? ये बिग बॉस का घर तो ही ऐसा है. ये जो बात मेघा ने बोली है कि आप हम जो आते हैं यहाँ पे, हमने बहुत सारी एक्टिंग कर चुकी है पास्ट में, अब देखो आओ से तो बड़ा बड़ी मतलब एक्चुअली कोई नहीं एक्सपीरियंस है, किसी का बट नहीं आओ होगा. भी महेश को महेश महेश जी जी बोलती बोलती है है, जो बहुत रिस्पेक्ट की तो बात है. उसने जो एक एक लाइन में क्लियर कर दिया कि हम जितने लोग भी यहाँ पर है, वो ये साबित करने के लिए नहीं है कि हम कितने बड़े एक्टर है, हम हाँ, ये साबित करने के लिए आए हैं कि हम हम कितने कितने अच्छे इंसान अच्छे हैं. इंसान है. और उस चीज के लिए चलो मान लो कि हम अगर आप कंपेयर करो पुष्कर और मेघा से, सॉरी पुष्कर और सही से, तो हो सकता है 19-20 का अंतर हो, बट जहां तक ह्यूमैनिटी की, जहां तक ह्यूमन नेचर की बात है, तो मैं मतलब कि मेरे हिसाब से मैं जो हूँ तो मैं जानती हूँ कि मैं कितनी अच्छी इंसान हूँ, और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ अच्छा इंसान बनने का. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेघा बोल रही, तो मैं जस्ट उसके बारे में बता रहा हूँ. ओके, तो हमेशा हमेशा हम लोग को भी यही, जो भी हो मतलब कि जितने भी चैनल्स हो या जो भी आप जो भी काम कर रहे हो, हमको हमेशा अपना ग्राउंड लेवल नहीं भूलना चाहिए. एक्चुअली हमेशा डाउन हमें टू अर्थ ही अपना रहना चाहिए, चाहे आप कितने भी ऊपर ह्यूमेनिटी, जाओ, यस, कभी नहीं भूलना चाहिए कि आपने आपने कहाँ से स्टार्ट कहाँ स्टार्ट कर किया है किया है. और अपना. आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी आप कोई स्टार्ट किए होगे, तो आप उन लोगों को मत भूलना जो आपके और साथ हमेशा सीखना, रहे आप हो. कितने भी ऊपर चले जाओ, आपकी सीखने की लेवल कभी कम नहीं होती. आपको जिससे मौका मिल रहा है, चाहे वो छोटे हो ओके, बड़े एक हो, एक सबसे क्वेश्चन का सीखो. आंसर बता देते कि आज कोई इविक्शन नहीं था, तो जितने लोग के भी जो ये हाँ, काफी लोग ये क्वेश्चन क्वेश्चन पूछ रहे पूछ रहे हैं. हैं कि आज हम लोग एक्चुअली थोड़ा ज्यादा आउट ऑफ द फ्लो बोल दिया मैंने, बिकॉज मैं इतने दिन आया नहीं था, तो उसके लिए सॉरी. अब हम पूरा स्टार्ट करेंगे, हाँ, कॉन्सेंट्रेट करेंगे लेट्स कमेंट रीड द पढ़ने का. कमेंट. तो कोई एलिमिनेशन नहीं था गाइस, कोई एलिमिनेशन नहीं था, नो वन हैज बीन एलिमिनेटेड. और यस, सो वील स्टार्ट विथ रीडिंग द चलो, कमेंट्स. सो सो सबसे पहला मुझे कमेंट दिख रहा है पीयूष ए का, दैट इज आई हेट रेशम. सेम टू यू बोल सकता हूँ पीयूष. रेशम को सी ग्रेट मूवी का ऑफर मिला है, ये इस पे मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, बट जहां तक जो टास्क चल रहा था वो एक्चुअली ऐसा सी ग्रेट जैसा लग रहा था, जो कि आप नहीं चाहोगे कि आपके फैमिली साथ में बैठ के देखे, तो थोड़ा खराब लगा देखने से. डीबीएस फैन क्यूनिक वर्ल्ड, आई डिडेंट सी दैट वेंट अवे. ओके, तो तुम्हें अगर पढ़ना हो तो मैं देखती हूँ. व्हाई ऑल क्यूनिक वर्ल्ड, पुनेकर्स सपोर्ट्स अस्ताद, इज इन देयर एनी बडी सपोर्टिंग पुष्कर लॉग, पुष्कर जॉग, सॉरी लॉग. ओके, सो मुझे नहीं पता कि पुष्कर अस्ताद को पुनेकर्स क्यों सपोर्ट कर रहे हैं. मैं आज तक नहीं समझता मैंने देखा कि नहीं कोई एक्चुअली वो. सिटी किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है. पुणे के ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसा ग्राउंड लेवल होगा कि हाँ भाई चलो, जैसे मैं जमशेदपुर का हूँ तो धोनी खेलता है, तो मैं थोड़ा ये हो जाता हूँ. लेकिन अगर कुछ गलत कर रहा है, कोई अगर गलत कर रहा है, तो उसमें उसका उसका सिटी से कंपेयर नहीं करना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड थिंग्स, ठीक है अब जो कर रहे हैं, अब वो पुणे में है तो बोल दिया होगा, तो अब उसकी पॉइंट ऑफ व्यू, हो सकता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और उसका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट. ओके, सो नेक्स्ट नेक्स्ट कमेंट. नहीं, यू यू फॉरगॉट, रीड फास्ट. आज आज तो कॉलर ने बेस्ट होस्ट महेश को बोला. हाँ मतलब वो तो लग रहा था ऐसा कि भाई चलो कोई तो मेरे बारे में बोलते रहो. और मैक्सिमम कॉलर, मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि कॉलर सिर्फ और सिर्फ मेघा सही और पुष्कर के लिए आया, जब मतलब रेशम ने कहीं और के लिए, किसी ऋतुजा, के लिए हाँ क्यों नहीं? आप बोलते जाइए, जब रेशम ने ऋतुजा के अंडरगार्मेंट्स, अच्छा ये उछाले तो प्लीज. ओके, सो जब रेशम ने ऋतुजा के अंडरगार्मेंट्स उछाले तो उसे कुछ नहीं लगा. आज सई ने रेशम के अंडरगार्मेंट्स के बारे में टीवी पर बोला तो उसे गुस्सा आया. बेशरम रेशम, रेशमा उसे ना एक्चुअली बस गुस्सा करना है. अब वो गुस्सा महेश जी का गुस्सा था जो कि बेचारी सई पे उतर गया, और सई भी पागल जो कि कल जाएगी आई लव यू रेशम ताई ऐसे करके सॉरी बोलेगी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, वो जाके वो बोलेगी. तो तो जैसे अभी स्वाति ने बोला कि मैं पुणे से हूँ, वो चला गया कमेंट, मैंने जो मुझे जब तक याद है स्वाति ने बोला जो मैं पुणे से हूँ बटाई ये हेट अस्ताद, तो वैसे ही मैं बोलता हूँ कि मैंने भी पुणे में पढ़ाई की नो है, नो नो नो, बट सॉरी, स्वामी ने कमेंट सॉरी किया है, स्वामी ने, आई एम फ्रॉम पुणे एंड बैड, आई सपोर्ट मेघा. नहीं, एक और पार हुआ है जिसमें आई एम फ्रॉम पुणे एंड आई डोंट सपोर्ट ओके ओके अस्ताद, आई हेट ओके, अस्ताद. तो आई थिंक वो स्वाति एक बार फिर से कमेंट यस करके यस बोल यस, रही. मैं पुणे से हूँ, आई एम नॉट सपोर्टिंग अस्ताद, हाँ आई तो हेट अस्ताद, मैं भी ये यस. बोलता हूँ कि मैं भी पुणे में पढ़ाई किया हूँ 2 साल, एंड आई डोंट सपोर्ट अस्ताद. अगर वो अच्छा खेलता तो जरूर सपोर्ट करता.
तो रेशम इज लेडी वर्जन ऑफ राजेश। यस, वो तो शुरू से ही देखिए कि रेशम तो एक्चुअली है मुझे ही। तो कभी कभी लगता था ना कि राजेश को बिगाड़ने में रेशम का ही हाथ था। तुमने रियलाइज किया ये चीज, राजेश अच्छा खेल सकता था बट कि हाँ तुम ऐसे करो तुम वैसे करो उसको इतना मतलब हैंडल की, और फिर राजेश भी कहीं ना कहीं प्यार मोहब्बत में बह गया। बिग बॉस में फेक कॉलर है। बिग यस बॉस में फेक कॉलर, आज मुझे भी लगा, इतने कॉल्स तो मैंने आज तक बिग बॉस हिंदी में देखे नहीं। चलो ठीक है, अगर मैं कंपेयर भी नहीं करूं तो क्या बिग बॉस के पास और कोई इवेंट्स नहीं थे या कुछ ऐसे नहीं थे कि वो चीज दिखाए? क्योंकि हम लोग क्या, और कॉलर ऑफ द वीक जो कॉल कर रहा है वो तो ऐसा लग रहा है महेश मांजरेकर के जैसे बात कर रहा है, इतना बात किया जा रहा है कि मतलब क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एनीवेज, तो मैम मैं बहुत मिस किया पीआर देखते नहीं, मतलब मैम ने बहुत मिस किया, मैम मैं बहुत मिस किया पर देखते नहीं। ओके आफरीन मैसेज, आई थिंक आप मैम, बोल रहे मैम हो आपने बहुत मैसेज। मैसेज किया पर देखते नहीं हाँ आप। एक्चुअली आफरीन ऐसा हो रहा है कि मैसेज बहुत जल्दी भाग रहे हैं और मैं भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ, तो दैट मे बी द इशू। लेकिन आप प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने मैसेज फिर से दोबारा थोड़ा टाइप करें। वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। मैं भी पुणे से हूँ और मुझे नहीं लगता पुणे में कोई आस्ताद को सपोर्ट करता है, ये कॉल्स बीबी मेकर्स के लोग ही कराते होंगे। हाँ रेशमा आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे भी यही लग रहा है कि जैसे कल जो हुआ तो उसको थोड़ा मालिश करने के या पॉलिश करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो इसीलिए वो कर रहे होंगे। यस मैम यू आर राइट, आई सो एग्री विथ यू, रेशम ने ही राजेश को बिगाड़ा है, स्वाति बोल रही है। ओके स्वाति, यस मैम यू आर राइट, आई एग्री विथ यू, रेशम नहीं राजेश। अच्छा सेम कमेंट पड़ा, सॉरी यस मैं उस कमेंट के ऊपर ही मनाली, थी। मनाली का कमेंट पढ़ते हैं। जितना जीतना तो मेघा को ही है, अकेले राजेश को क्यों निकाला, रेशम को भी निकाल देना चाहिए था। हाँ वो बट कहते हैं ना राजा तो गया था रानी भी जाएगी, जो मेघा ने एक लाइन बोला था वो हाँ कहीं ना कहीं अच्छा था। और मेघा के एक और चीज जो जो कि काफी लोगों का ये क्वेश्चन था कि स्मिता को जब डांट पड़ी कपड़े के डोनेशन को लेके, तो मेघा को क्यों नहीं पड़ा जो मेघा ने बिचिंग की थी। ओके। तो आफरीन, इस आफरीन एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रही मैम। आपका मैंने चैनल अभी ज्वाइन किया है, ये कौन है, आप किसके बारे में पूछ रहे हैं, आप जरूर बताइए हमें। अगर आप मेरे बारे में पूछ रहे हैं तो मैं विकास हूँ और मैं रश्मि का हस्बैंड हूँ, पति हूँ एंड इज माय परमेश्वर बेस्ट फ्रेंड। एंड बेस्ट, सबसे पहले बेस्ट फ्रेंड हूँ। ओके सो गाइस, आप लोगों को चला गया, तुम पढ़ो कौन सा कमेंट्स? जो भी मिल रहा पढ़ो पहले। ओके कंचन नहीं पढ़ती हूँ मैं। गाइस आप लोग किसी को हेट या लव या शो बेसिस पे कैसे कर सकते हैं? बीबी हाउस में होगा वैसे एटमॉस्फेयर तो हो ही जाती है। किसको? अनबन तो हम किसी ऐसे जज नहीं कर सकते। कंचन जो शो में दिखाया जाता है हम लोग वही बातें करते हैं। लाइक मैंने आज क्लियरली बोला कि सई ने स्मिता के ऊपर चिल्लाया, जो बोला कि डम्ब है ये, मैंने क्लियरली उसमें ये बोला था कि सई ने स्मिता के ऊपर बोला, इसमें सई को सपोर्ट नहीं किया। इसमें मुझे क्या सुनने को मिला? मैंने कमेंट्स पढ़े बहुत सारे, अरे तुम तो सई के उसको सई की तारीफ करो ये करो ये। मैंने सोचा यार मैंने तो कमेंट में वीडियो में बनाया कि सई ने स्मिता को सुनाया, तो मतलब मैं यही बोलती हूँ कि एक्चुअली जो आज एक लाइन बोली है ना कि मेघा ने, कि आप पुष्कर ने शायद बोली कि आप किसी को, हर किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, तो कुछ चीजें अच्छी होती है कुछ चीजें बुरी होती है, अब जो सोचोगे वही लगेगा। आप लकी हो विकास, इतनी खूबसूरत बीबी मतलब बिग बॉस आपको मिली। यस खूबसूरत बिग बॉस मिली है मुझे, तो वेरी एक्चुअली मैं लकी। आपको बताऊं, विकास एंड उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब मुझे बिग बॉस बोलते हैं। जब भी फोन करेंगे हेलो बिग बॉस कैसे हो, तो वो लोग ऐसे ही बोलते हैं ओके मुझे। मेघा एंड साई, बहुत साई बोथ आर वेरी बेस्ट, बेशरम गैंग इज बेस्ट। यस बेशरम गैंग मतलब रेशम की गैंग को आप जो बोल रहे हो, आज लग ही रही थी कि बेचारे छुपी थे, कुछ बोलेंगे तो पता नहीं बंजरे कर कुछ और कुछ ना बोल दे। राम नायक, मेघा एंड साई बोथ आर बेस्ट, बेशरम गैंग इज बेस्ट। अच्छा आज के पूरे एपिसोड में स्मिता कब बोली है? स्मिता ने बस वही कान में जब वो बोलना था तो ना आज वो एकदम उसने चुप बोला रही है, है, आज वो आज कुछ वो नहीं उसने बोली बोला, है रेशम ने भी उसी भाई, टाइम पे कुछ बोला है बोलना बस। ही नहीं है, एकदम चुपचाप तो रहो। डीवीएस फैन, मेरी कमेंट पढ़िए, कॉलर फेक नहीं होते हैं बीबी, वैसे क्वेश्चन सेलेक्ट करता है जानबूझकर। यस डीवीएस फैन मैं आपकी बात पे एग्री करती हूँ। एक्चुअली होता क्या है, तुम्हें शायद पता नहीं होगा बट फेसबुक पे, फेसबुक के कलर्स मराठी पेज पे जो आप मैसेज करोगे ओके उस मैसेज में से वो लोग सेलेक्ट करते हैं, अच्छा और उसके बावजूद वो लोग कॉल पे बताते हैं कि तुम ये क्वेश्चन इसमें से पूछ सकते हो और ये नहीं पूछ सकते ओके हो, ओके। ये इतना होता है ये मुझे तो पता अगर है। मैंने फेक बोला है तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी, मुझे ये चीज पता नहीं नहीं मैं थी। भी बोलती हूँ बहुत आज बट लग रहा था गाइस, एक्चुअली लग जैसे रहा हम लोग था। व्यूअर्स हैं तो वैसे हम लोग को लगता है कि यार ये क्या बोल रहा है, मतलब अच्छा वो लोग सेलेक्ट क्यों कर रहे हैं ऐसे तो यस ऐसे बंस, सच बोलने वालों को हमेशा सुनना ही पड़ता है और बात सुनना ही पड़ेगा कि इन लोगों को इग्नोर करो। यस बंस मैं अब मुझे सीरियसली फर्क नहीं पड़ता,
नलिनी जोशी ने बहुत अच्छा कमेंट लिखा है, आप प्लीज एक पढ़ें। इतना बड़ा इशू था, हम हुशुम शाह क्या हुकुम शाह चला गया। आप फिर से लिखे, मिस हो गया। प्रफुल्ल या मेरे कमेंट पढ़ो, मैं पहले ही गुस्से में हूँ बिकॉज मेघा को कोई बोलता है तो मेरा खून खोल जाता दिमाग खराब होता है। ओके तो प्रफुल्ल अब क्या लिखना चाह रहे हो, ये कौन से ओके कॉलर होते रेशमा, हैं जो रेशमा रेशम बोल और रही है। अस्ताद की तारीफ करते हैं और मेघा की छोटी छोटी गलतियों पे कमेंट करते हैं, ऐसा अस्ताद की चुगलियां नहीं दिखती, नहीं पुनीरी नहीं दिखती उसे क्योंकि वो लोग उनके सपोर्टर्स है तो वो लोग को नहीं दिखेगी। ओके रेशमा, रेशमा बोल रही है रेशम शो में रहने के लिए किसी किसी मर्द के साथ अफेयर करना चाहती है मगर कोई मर्द उसे खास नहीं डाल रहा है, नंद किशोर ने भी उसे नो बोला। देखो रेशम खान का तक गिर गई है भाई, वो नंद किशोर ने भी उसको भाव नहीं दी। ओके और क्या नेक्स्ट। ओके तो रेशम डू मुंह वन थिंग, खोलती है डू तो वन थिंग, गंदगी। डू वन थिंग, हाँ मैं ऐसे आप पढ़ता फोन हूँ। से पढ़ो यस एंड मैं उधर से पढ़ती हूँ। यस ओके तो आप पढ़ते रहो, स्टार्ट करो। रेशमा, राजेश जाने के बाद रेशम आस्ताद के साथ भी वो खाने जाती थी मगर आस्ताद थोड़ा स्मार्ट निकला, उसने ऐसा नहीं होने दिया। वो जिसके वो सबके साथ ऐसे थोड़ा 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 ट्राई की पुश कर, तो स्टार्टिंग से उसको भाव नहीं दे रहा था, तो ये सारी चीजें होगी। आपको फोन कमेंट पढ़ने के हाँ, लिए मैं बोला वही पढ़ रहा हूँ। बट आर्ग्यू क्यों कर रहा था वो कॉलर मेघा से, ये पूछा है शर्वनी पेंट शर्वनी से। जो विकास ने एक्चुअली बोला कि मैंने कुछ बोल दिया नहीं, तुमने बोला राइट कि बिग बॉस के महेश जी की तरह वो डिस्कस कर रहा था, हाँ। वो वीडियो में भी बोला था ये। ओके रेशम का सती सावित्री को बताओ ना ऋतुजा के टाइम ये आंसू कहाँ थे, पद्मराज उसने तो खुद ही किया था ये चीज। बट आप रेशम को कुछ नहीं बोल सकते हो भाई, वो तो महान है। दिव्ति, रेशम का मुंह देखने लायक था भाई। आज तो जो कैसे विकास थोड़ा एक्टिंग करो ना प्लीज, किसका रेशम का एक्टिंग, जो वो कैसे बैठी थी वो तो आज विकास ऐसे एक्टिंग कर रहा था घर में, बताओ ना प्लीज, बताओ ना एक्टिंग करके। अरे तुम ऐसे बिना मतलब ऐसे चुपचाप ऐसे बैठी हुई थी, मतलब कुछ भी हो रहा था और तुम कुछ बोल रहे हो, तुम कुछ बोल रहे हो क्या? अच्छा हाँ ये, हाँ यस ये ऐसे उसने माथा ऐसे पकड़ लिया था कि भाई अब कितना सुनना पड़ेगा मुझे, कितना मैं अब टॉर्चर सहूंगी, मेरे 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 जितने भी फैन फॉलोअर्स है अगर है भी तो मुझे तो पता नहीं अगर है या नहीं है, बट अगर है तो वो अभी चले गए होंगे, अब मैं कहाँ जाऊंगी, वीकेंड होम्स में भी मुझे जगह नहीं मिलेगा। पुनेरी बीबी ने आज के एपिसोड बराबर बैलेंस कर दिया था और कॉलर्स एंड रेशम को बोलने की आजादी देके। यस एक्चुअली आज क्या हुआ कि आज मेघा एंड टीम के लिए सिर्फ कॉल और बाकी का टीम महेश जी में तो इतना काफी था, चलेगा। रेशम महान मेरी जूती से बंस। स्वाति, वे लव मेघा, रोहिणी विकास एक्टिंग रेशम। ओके रश्मि, आज आप बोल रहे हो कि हेयर्स वाला टॉपिक सही और रेशम की गर्ल्स टॉक थी, उस टॉपिक को महेश सर ने क्यों उठाया कल जब महेश सर ने मेघा और स्मिता का टॉपिक भी गर्ल्स टॉक ही था। नहीं 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 मेरा पॉइंट था, एक्चुअली मेरा पॉइंट था कि वो एक जो गर्ल्स टॉक था, यस एग्री कि वो गर्ल्स टॉक था, बट मेरा पॉइंट था कि जो वॉशरूम में एक डिस्कशन चल रहा था एक छोटे से बाल का, मतलब ऐसा नहीं था कि उसमें बिचिंग नहीं हुई थी, जो बिचिंग हुई थी एक्चुअली। मैं इसमें नहीं नहीं वन मिनट, कौन सा बिचिंग वाला बात बिचिंग नहीं, और उसने एक्चुअली मैंने मेरा ये पॉइंट था कि अगर वो उठाया गया गर्ल्स टॉक तो व्हाई नॉट कैप्टनसी टास्क में धक्का दिया गया, वो क्यों नहीं उठाया गया, दैट माई पॉइंट। नहीं बट मेरा इसमें डिफरेंट है, यहाँ पे जो स्मिता और मेघा का डिस्कशन था दैट वाज रिलेटेड टू हेयर कलर, बट उसने उसको पॉइंट कर दिया डोनेशन की तरफ। यस तो ये बात आप ना भूले कि स्मिता ने बहुत स्मार्टली कह दिया कि ये डोनेशन देने चाहिए, जहां तक उसने ये दिखाया कि मेघा 18,000 रुपया जो भी उस पर खर्च करती है और ये डोनेशन नहीं करती है, तो उस बात पे महेश जी ने ये चीज उठाया। और यहाँ पे जो आप बाल वाली बात कर रहे हो वो पॉइंटलेस थी बिकॉज ये तो गर्ल्स टॉक थी जो भी, ऐसा ठीक है मान सकता हूँ कि कॉस्मेटिक या जिसके में बात किया हो महेश जी ने, बट उनका ये कहने का पर्पज होगा या उनसे ऐसा बोला गया होगा जो भी, मतलब दिल से नहीं चाह रहे होंगे बट उन्होंने बोल दिया कि आपने डोनेशन, आप तुम जो बोल रहे हो कि डोनेशन दी हो ठीक है, नहीं देती हो, तुमने कितना डोनेशन दिया, तो इसीलिए शायद स्मिता पे उसने गुस्सा किया होगा।
सो रेशमा बोल रही है विकास भाई आपके बाल बढ़ना फिर से जीरो कट यस मत कराना। मेरे मेरे बाल बहुत बढ़ गए हैं तो मुझे दिख रहा है कि जब मैं बिग बॉस का रिव्यू के लिए शायद पहली बार बैठा था तो बाल नहीं थे, और अब दिख रहा है बिग बॉस जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे मेरे बाल आते जा रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड। अब मैं बाल दिवस मनाऊंगा। ओके सो आफरीन मैम मैम, मैं 42 इयर्स ओल्ड हूँ और तुम्हारी फैन हूँ। थैंक यू सो मच थैंक यू आफरीन। आफरीन मैम, वी आर वेरी ब्लेस्ड कि आप हमारे फैन, मतलब आप इनके फैन हो, मैं भी इनका फैन स्वामी हूँ। ऐसे कॉल की वजह से मेघा और अच्छे से उबर आती है। यस कुछ भी कर लो भाई, कॉल कर लो, कुछ भी करा लो, मेघा को कोई नहीं गिरा। लाइक वो बोली ना कि मैं हवा हूं, मुझे कोई पकड़ नहीं रेशमा सकता। बोल रही स्मिता ने आईब्रो कराने के लिए 25,000 रुपए यस स्पेंड यस किए थे, एक्चुअली मैंने भी वो 25,000 वीडियो हजार ही देखा, ना, बट मैं वो 25,000। वीडियो कहीं डाल नहीं सकती थी। मेरे पास वो वीडियो है, मुझे मतलब इतना वो मन हो रहा था ना कि मैं ट्विटर पे अपलोड करूँ वो वीडियो या कहीं पे डालू, बट वो बिकॉज ऑफ कॉपीराइट मैं वो डाल नहीं सकती थी। बट एक्चुअली उसमें क्लियरली उसने जूही को बोला है कि मैंने सिर्फ आईब्रो अपना ठीक कराने के लिए 25,000 पे किए हैं। करते हैं बहुत लोग ऐसा करते हैं बिकॉज उनको अभी ये ऐसी इंडस्ट्री है कि अगर आप ठीक दिखोगे तो वैसे ही आपको मिलेगा चांस, तो हो घर के सकता है लाइट शायद। कौन ऑफ करेगा? टॉप 2 एक मेघा और 2 सकन्या, फिर पुष्कर, आशीष राव। घर के लाइट आई थिंक एक तो मेघा रहेगी, नहीं, सेकेंड घर के लाइट सिर्फ एक ही बंद कर सकते हैं ना, जो लास्ट में जाता है, जो तो जीतता लास्ट है में टॉप 2 रहते हैं, लास्ट में, टॉप टू टॉप रहता है। 2 अच्छा वो रहते टॉप टू हैं, में, तो टॉप फिर 2 में मेरे रहते हिसाब हैं। से मेघा एंड रेशम। यार मुझे नहीं लगता सीरियसली, लोग कहते हैं कि रेशम बहुत स्ट्रांग है, रेशम एंड तक जाएगी, बट आप मुझे बताओ कि क्या एक्चुअली आपको लगती है, क्योंकि मुझे लगता है रेशम से ज्यादा अगर स्ट्रांग की बात की जाए टास्क की, स्मिता कंफ्यूज है लेकिन वो स्ट्रांग है। वो बंदी को समझ नहीं आ रहा है कि उसको क्या बोलना है, या तो वो प्लान कर रही है या तो वो कुछ कर रही है। एयर फ्लायर मेरी कमेंट पढ़ो, एयर फ्लायर आप फिर से प्लीज कमेंट कीजिए, आपकी कमेंट मुझे दिख तो नहीं रही है। गाइस आप लोग प्लीज कमेंट करो कि आपको क्या लगता है कि रेशम और स्मिता में कौन स्ट्रांग है, क्योंकि मुझे लगता है कि रेशम और स्मिता, स्मिता में यस स्मिता स्ट्रांग है, क्योंकि रेशम सिर्फ बहुत चिल्लाती है विकास, वो एक्चुअली सिर्फ चिल्लाती है निगेटिविटी में कौन स्ट्रांग है आप पूछ रहे हो या पॉजिटिविटी में? पूरे वो पूरे ओवरऑल ओवरऑल। तो रेशम स्ट्रांग है निगेटिविटी में। मुझे मुझे स्मिता लगती है, स्मिता थोड़ी कंफ्यूज है, उसे समझ नहीं अच्छा आता, बट अच्छा उसे समझ है। मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। सपोज रेशम एंड स्मिता अस्ताद को एक ऑर्डर दे रही, तो अस्ताद किसका ऑर्डर मानेगा? तो रेशम, क्योंकि कौन स्ट्रांग हुआ? तो रेशम अपना वो बना के रखी है, वो वो बना के, वो जो वंजस्व बना के रखते हैं ना, तो वो उसको, वो विलन है और ये हीरोइन हमारी ये है मेघा, और उसको तोड़ेगा। देखो ये होगा मैम, आज कौन एलिमिनेट हुआ है? आज कोई एलिमिनेट हुआ, आज कोई एलिमिनेट नहीं हुआ है बिकॉज आज कोई इवेक्शन ही नहीं था। एंड एयर फ्लायर के कमेंट चले गए, आप प्लीज उसे पढ़ लें। ओके और सोमनाथ मेघा एंड सॉरी, साई ऑलवेज स्लीप अंडर वन ब्लैंकेट, वाई? अब ये तो उनसे ही मेघा पूछना ऐसे वन ब्लैंकेट में पड़ेगा। नहीं सोते हैं यार, 2 ब्लैंकेट है। आज प्लीज आप सोते भी तो देखो क्या तो दिक्कत है, उनको फ्रेंडशिप है, उनको जो करना आप किसकी कमेंट की बात है। कर रहे यस थे? मेघा इज एयर फ्लायर, एयर हमारे घर में फ्लायर। जो एयर फ्लायर। ओके रेशम इज अ बैड वुमन, ओके काम नहीं करती है, मेघा से जलती है। यस डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही बोला। मैम आज कोई एलिमिनेशन हुआ क्या स्वाति? नहीं कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ, क्योंकि महेश जी ने बोला सबको ये जानने का रीजन था कि क्यों नहीं हुआ, क्यों वोटिंग लाइन बंद है, तो ऑलरेडी सुशांत ऑलरेडी बहुत लोग जा चुके थे, इसलिए थोड़ा बैलेंस किया गया आज इस बार को। स्मिता स्ट्रांग है बट बीबी और एमएम रेशम को पहुंचाएंगे। हाँ स्मिता स्ट्रांग है बट कहीं कहीं उसको जो जजमेंट लेना होता है ना, तो शी लुक्स फॉर पीपल, वो अपने खुद से नहीं ले पाती जजमेंट। आप देखोगे कि अस्ताद और रेशम जहां पे होगी, और अगर स्मिता को कुछ डिसीजन लेना वो नहीं लेगी। रेशम सीनियर है इसलिए भाव खाती है बस, राशिका बोल रही है। आफरीन बोल रहे हैं रेशम बहुत बुरी है। प्रफुल बोल रहे हैं अरे अस्ताद भी पैसा है। अस्ताद कुत्ता, दस 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 ओके। सो रेशम का इसलिए उसकी बात मानेगा, रेशम खूब जलते हैं। ओमकार हाय, बीबी रेशम को पूछेगा फाइनल में, पहुंचाएगा फाइनल में। यस वो पहुंचाएगा क्योंकि तभी उनको टीआरपी रहेगी। अगर मेघा और स्मिता रहेगी या कोई भी रहेगा तो टीआरपी नहीं बढ़ेगा, टीआरपी तभी बढ़ेगा जब मेघा और सही और रहे, रेशम एक और रहेगी। कमेंट स्वाति, रेशम कुछ नहीं करती, वो टास्क ठीक से नहीं करती, घर का काम भी नहीं करती है, सिर्फ पीठ पीछे बातें करती है। और वो एक्चुअली पता है वो होता है ना कि अगर 4 लोग बैठे हैं और 4 लोगों के बीच में एक हर बात में घुस रहा है, हर बात में स्पीडली बोल रहा है कि नहीं ऐसे है ऐसे है, तो बाकी के जो 3 लोग है ना इन्हें अरे यार हो सकता है, अरे यार ठीक है चलो तुम बोल रहे हो तो हम मान लेते, यही चीज हो रही है रेशम के साथ।
ओके और एक किसी ने कमेंट किया था, मैंने सिर्फ देखा है कि स्मिता टास्क में बहुत स्ट्रांग है, तो यस मुझे भी लगता है स्मिता टास्क में बहुत स्ट्रांग है, बट वो कहते हैं ना कि मतलब कभी कभी आपको स्मार्ट वर्कर होना चाहिए, शी इज अ हार्ड वर्कर नॉट अ स्मार्ट वर्कर। जतिन बजाज हेलो, हेलो जतिन। ओके तो बंस बोल रहे गुड नाइट यार, स्मिता शुड बी बट यू नो एमएम नहीं दिख रहा मुझे। स्मिता बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, वो बस येड़ा बनकर पेड़ा खाना चाहती है, और मेघा और सई एक बेड में इसलिए सोते हैं उसको बहुत गॉसिप करना होता है बीबी हाउस में जो जो होता है उसके बारे में। यस जैसे कि आज मेघा ने बोला कि हम लोग 70 दिन से यहाँ पे हैं और हमारे पास ना टीवी है ना कुछ है, तो हम किससे बातें करेंगे? तो ऑब्वियसली जो भी हमारे क्लोज पर्सन है उनसे हम जाके बात करेंगे। अगर मैं भी रहता तो मैं, अगर लकीली रश्मि रहती बिग बॉस में, तो मैं भी उससे वही बात करता कि अरे यार ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा ये हुआ था। अगर किसी का बैग बिचिंग करता तो उसको जाके बोल देता देख भाई मैंने तेरे बारे में ऐसा बोला। ठीक है तो पूजा पूछ रही है कि क्या तुम लोगों ने नोटिस किया रेशम का एक्सप्रेशन आज? अरे मैं तो इतना नोटिस किया कि मैं बोला रश्मि देखो वो कुछ बोल ही नहीं रही है, बस उसका एक्सप्रेशन दिखा जब उसको बोलना था। इरफान अरे भाई मेरा भी रिप्लाई करो इरफान, आप प्लीज मैसेज कर दो फिर से। अरे यार प्लीज मेरा कमेंट पढ़ो प्लीज। आज निर्मला जादव, निर्मला मैंने अभी जस्ट आपका कमेंट पढ़ा है, बट आप प्लीज रिंग, एक फिर रिंग कमेंट करो। वेदो आप दोनों नाइस कपल है, थैंक यू थैंक यू। सुजाता मूले, आप सुजाता मूले आप लोग है, आप लोग है रेशम की वैल्यू बीबी में बढ़ा रहे हो उसे विलन बना के। मैं उसकी वैल्यू बढ़ा रहा हूँ या गिरा रहा हूँ मुझे पता नहीं, बट मुझे जो दिख रहा है मैं वो बता रहा हूँ। अब वो विलन की जैसे दिख रहे तो मैं क्या बोलूँ, अब गब्बर सामने रहेगा तो उसको गब्बर ही बोलूंगा। एक रिक्वेस्ट, निखिल बजाज ने बोला है कि उन्हें नींद आ रही है, आप प्लीज गाना सुना दो एक ताकि वो फिर सो जाए। मतलब आप ये बोल रहे हो कि मैं गाना गाऊंगा तो नींद उड़ जाती है? नहीं 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 वो बोलते कि आप गाना सुन के वो okay, फिर सोने चले okay, जाएंगे okay, इसलिए वो okay. लाइव में है। ओके तो गाने का रिक्वेस्ट मैंने देखा था कि आपने बताया था, तो ये निखिल आपने जो गाने की लिस्ट भेजी थी हमें प्लीज आप एक बार कमेंट कर दो क्योंकि वो भूल गई हूँ मैं। अस्ताद और स्मिता को अपने आप पर भरोसा नहीं है इसलिए रेशम के तलवे चाटते रहते हैं। ओके दक्षा बोल रही है मेरे कमेंट तो पढ़ो प्लीज, इसके कमेंट में सो रहे गाइस प्लीज कमेंट करो। आफरीन जोड़ी मस्त है, थैंक यू आफरीन। व्हाट अबाउट अस्ताद रिएक्शन? ओएमजी इतना इतना किस बात का एटीट्यूड? अस्ताद पता नहीं क्यों इतना एटीट्यूड दिखाता है, मुझे भी नहीं समझ आता है। पहली बात तो मुझे लगता है वो कोई मराठी टीचर, अगर ठीक है अच्छा है मराठी हम लोगों को सिखा रहा है, हम लोग भी थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं उससे अस्ताद से, बट इतना क्या मतलब, थोड़ा सब कोई अपना पर्सनली जो भी मजे करके रह सकते हैं यार, इसमें क्या दिक्कत है? निर्मला आपको आपको कलर्स मराठी के पेज पे जाना होगा एंड वहां पे उनको मैसेज करना होगा जो भी आपको कमेंट करना है, जो भी उनको फोन करना है, एंड अगर वो अप्रूव करेंगे तो आप कॉल कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते हो, किसी के पास उनका नंबर नहीं होता है। रेशम अस्ताद का क्लोजअप दिखाते हैं तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ, मुझे उनका मुंह देखना भी पसंद नहीं है रेशम। ठीक है रेशम बहुत ज्यादा बोल रही थी कल्पना, यस रेशम बहुत रूडी। सोमनाथ बोल रहे हैं रेशम को ताई क्यों बोलते हैं, शी इज अ चीटर साई के, क्योंकि रेशम बड़ी है उसको बताते रहते हैं वो लोग बोल के ताई की, भाई तुमको मैं ताई बोल रही हूँ थोड़ा तो लिहाज करो इसीलिए तुमको ताई बोल रही हूँ। निर्मला थैंक यू सो मच वेलकम। ओके रेशम रेशम कितनी क्यूट है, वाओ राम नायक रेशम कितनी क्यूट है। ओके बंस नेट बंस अब गर्नेट अब हमें कमेंट का शायद मैंने नहीं रखते इसलिए पढ़ते ही नहीं यार। एयर फ्रायर में मैं एक सेकंड आप ऐसा मुझे लगता है सॉरी बट दिस ट्रू बंस मैंने और विकास ने इवन बहुत कमेंट पढ़े हैं आपके, आप प्लीज फिर से देखो अगर आपको एयर फ्रायर एयर फ्रायर में यही चीज लिखा है कि मैं इतना कमेंट पढ़ता हूं, बट आप सबके कमेंट पढ़ो। एक्चुअली यार गाइस प्लीज आप लोग गलत मत वो करो, बट हम बहुत ट्राई करते हैं सबके कमेंट पढ़े, किसी के मिस हो जाते हैं जैसे निकल जाते हैं फिर आप कर दिया करो, तो आई एम वेरी सॉरी कि अगर मेरी मतलब हमारी वजह से मनीषा बुरा मनीषा लग रहा। अच्छा एक काम करते हैं एक एक करके सबका कमेंट पढ़ते हैं, मनीषा का पढ़ो सबसे पहले कमेंट। मनीषा रीड माय कमेंट, रीड माय कमेंट मनीषा आप फिर से भेजो। अस्ताद ने जैसे दाढ़ी रखी है वो गोरिल्ला जैसा दिख रहा है, आपको क्या लगता है रेशमा? मुझे तो वो अच्छा ही नहीं लगता है। रोहित पाटिल बोल रहे हैं कि नागिन रोपाड़ी रोपाड़ी कितना एनजी मेकअप वेस्ट हो गया होगा। मनीषा फिर से रीड माय कमेंट लिखी है, आप प्लीज कुछ और मतलब जो आप बोलना चाहते हो वो लिखे। एसजे हफ इस हफ्ते बिग बॉस ने गलती की नॉमिनेशन न करके आज तक रेशम बाहर हुई है, बाहर थी। मैम तुम पूरे कमेंट पढ़ते हो। आफरीन नहीं आफरीन कभी कभी किसी के मिस हो जाते हैं, एक्चुअली मिस हो जाते हैं, आई एग्री, तो प्लीज आप लोग फिर से कमेंट करो। रेशम को बाल ड्रेनेज में डालना सिखाओ।
ओके एयर फ्रायर आपके मैंने कमेंट पढ़ लिया। मैंने कितनी बार कमेंट किया, पढ़ो ना कहाँ किधर है बताओ, मुझसे चले संतोष जा रहे हैं बार बार कमेंट्स। ओके आज इनवेरेज की बात। इवन आप लोगों को भी दिख रहा होगा, अगर आप लाइव चैट में देखो तो आप लोगों को भी दिख रहा होगा, ओके बहुत सारे कमेंट्स ऐसे निकल जाते हैं। ओके सो यू वांट नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, कमेंट पढ़ते हैं। पुष्कर जीतेगा, सूर्यकांत बोल रहे हैं पुष्कर जीतेगा। ओके राजनी, हाय मेघा, नाउ ऑल आर फोकस एंड आर इनसेक्योर अबाउट यू। रेशम जो सही को बोली वो सब रेशम को ही लगता होता होगा, रेशम का स्वभाव बहुत बुरा है, ये तो पब्लिक को दिखता है भाई, पब्लिक कभी गलत नहीं बोलती है। यू गाइज आर फेक एंड पेड फॉर फेवरिंग इडियट मेगा XYZ XYZ। थैंक यू, आपका लेटर भी आप देखो XYZ होते जा रहा है, तो आप देवस पहले देख लो, आपका खत्म हो रहा है लेटर्स। मानना चाहिए मेगा को, लोग कितना सुनाते फिर भी एकदम अच्छे से जवाब देती है, उसकी जगह में ये कोई भी रहता तो सामने बोलकर फाड़ ही डालता। एक्चुअली देवास वो बहुत अच्छे से बोलती है, मैंने स्टार्टिंग में ही ये बात बोली थी। रेशम बोल रही थी साई और मेघा को कोई संस्कार ही नहीं है, लुक हु इज टॉकिंग। वही मैंने भी वही बोला कि जो बोल रही है उसको उसको क्या संस्कार, मैं क्या बताऊं, मैं कुछ बोल नहीं सकता इसकी, बहुत गलत जो भी बात उसने बोला है, बहुत गलत बोला है। एंड रीड माई कमेंट्स, द्वितीय आपके रेशम कमेंट्स सही है को क्यों कहाँ? सॉरी बोल रही है, स्वामी पूछ रहे हैं। रेशम सही को सॉरी इसलिए बोल रही है क्योंकि सही को लग रहा है कि वो जो भी उसने बात की थी रेशम के बारे में वो शायद नहीं करनी चाहिए थी पब्लिकली, उसे आके उसके सामने जाके बोलना चाहिए था, तो इसलिए वो सॉरी बोल रही है। ओके सुप्रिया शिंदे बोल रही, ये कॉल कहाँ से आते हैं? ये कॉल बिग बॉस के घर से फेक कॉल आते हैं। तृप्ति बोल रही, रीड माय कमेंट्स। इरफान बोल रहे हैं यू बंस राइट हम सर। समझ सकते हैं पर ये कुछ दिनों से महसूस हो रहा था इसलिए मैं बोला। इट्स ओके बंस, आप अपनी बातें बोल सकते हो, नो इश्यू, एस जे बट आई प्लीज लाइक योर अंडरस्टैंड कि रिव्यू। हम जानबूझ के ऐसा नहीं करते हैं, बट सीरियसली बहुत निकल जाते हैं कमेंट्स ऐसे। ओके एस जे आई लाइक योर रिव्यू, थैंक यू एस जे। एंड माधवी, साई इज स्ट्रॉन्ग, मुंह पर बोलने की हिम्मत हिम्मत करती रखती है। है बट मुझे पिछले हफ्ते, मतलब इस हफ्ते साई उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं दिखी, जो उसने टास्क गिव अप कर दिया। बट एनीवेज आज इंटरव्यूअर की बात को लेकर रेशम को बुरा लगा, ये फिर यही चलेंगे। बात ऋतुजा के साथ हुई, तो रेशम ने जस्ट टास्क कैसे रेशम ने बोला तो फ्लॉप रेशम। हाँ योगिता यही सेम चीज एक्चुअली जब खुद के ऊपर पड़ती है ना, मैं हमेशा विकास को बोलती हूँ। तृप्ति, योर जोड़ी इज नाइस, तृप्ति कदम। एक और तृप्ति ने लिखा है प्लीज रीड माई कमेंट, तो वे आपकी कमेंट मुझे दिख नहीं रहे, तो आप प्लीज फिर से कमेंट कीजिए। रेशम को साई सॉरी क्यों बोल रही, क्या हो गया? राम नाइट, गुड नाइट गाइस, की चाय पी लो, पेपे खा लो। ओके ओके मेघा इज विनर, मेघा इज डेफिनेटली विनर। फेक कॉल है बिग बॉस के घर पे, टुडेज कॉल्स आर रेशम को साई सॉरी क्यों बोल रही है पागल, मेघा एंड साई आर बेस्ट। रेशम को तो पहले खुद, के बात करने यस का तरीका सीखना चाहिए। साई नॉट मैच्योर बिहेवियर। आपके फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? मेरे फेवरेट है मेघा, आप मेगा बता दो मेगा मेगा भाई गाइस। और जो भी हम लोग फेवरेट बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमको पैसे मिले, हमको अच्छा लग रहा है इसलिए हम फेवरेट बोल रहे हैं। दिला दो कहीं से पैसे, अगर मिलते हैं ऐसे पैसे अच्छा कि कमेंट सच कमेंट बोलने कमेंट, का। मैम यू मिस्ड माय ऑल कमेंट। संतोष एक कमेंट कर दो, मैं आपके मिस नहीं करूंगा। दक्षा वर्द, मेगा मेघा को को कुछ नहीं कुछ बोला नहीं एम, बोला है मैम, कितना बोली स्मिता को, चुंबक जैसा मुंह है, नहीं पता। मेघा इज बेस्ट, साई एंड मेघा ने कितना, साई एंड मेघा ने कहा था कि बीबी आओ को नहीं जीत जाइए कौन से जिताइए। कौन कमेंट पढ़ रहे हो आप? मिलिंद होले बोल रहे हैं कुछ, मेघा इज द बेस्ट। मैम तुमको क्या लगता है जो जीतेगा? क्या मैम तुमको मैम क्या तुमको लगता क्या है? लगता है जो जीतेगा? फिर मुझे लगता है मेघा जीतेगी। मेघा खूब सुंदर आहे टुमारो एपिसोड, बाप रे रेशम डैश 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 अस्ताद इज वस्ताद योगिता पेट बोल रही है कि रिव्यू। मैं इतना फालतू में क्यों हंसती हूँ, मेघा को घर लेके जाओ। आई विश कि मेघा एक बार मेरे घर, तो क्या मतलब मैं उससे मिल लूँ, वही बहुत बड़ी बात होती है, बट घर ले जाना तो बहुत दूर की या बात उसको है। हैदराबाद आना पड़ेगा, घर नहीं ले जा सकते हम उसको। ओके गुड नाइट नाइस कपल, थैंक यू एवरीवन। एंड तो थैंक यू एवरीवन, आई होप कि हम लोग जितने के भी कमेंट्स नहीं पढ़े हैं, आप जरूर अपने संतोष से कर संतोष के कमेंट पढ़ती हूँ, संतोष ने बोला भी था मैम आपको क्या लगता है आज के कॉल फेक थे? आज के कॉल फेक थे। मुझे देखो, मुझे ऐसा लग रहा था कि फेक है,
बट जहां तक अभी रश्मि ने बताया कि उन लोग को ऐसा डाला जाता है फेसबुक में और फिर कुछ कमेंट सेलेक्ट किए जाते हैं, तो अगर हम बोले इस तरीके से तो सेलेक्टिवली फेक थे, ठीक है, तो और नहीं बोल सकता दिव्यति कुछ। बोल रही है बाकियों को छोड़ दो, यू आर बेस्ट, थैंक यू सो थैंक मच यू एवरीवन। बंस, मेघर एंड सही है, जो बैक फुट पे आके सॉरी बोलते हैं ना वहां बुरा लगा, सॉरी बोलते हैं ना वो वहां बुरा लगता है। यार बंस मुझे ना लगा कि सही क्यों कर रही है ऐसा, मतलब ऐसे इंसान को सॉरी तुम बोलो नो इशू, मेघा इज बेस्ट बट प्लेयर, ये आई गलत है लव कि हर ऐसे एंड योर टाइम पे जोड़ी। बोल रहे हो। यस मेघा इज बेस्ट प्लेयर, आई लव हर एंड योर जोड़ी। मैम वो योगिता साहा है, आई एम योगिता प्रधान एंड माय सपोर्ट इज मेघा। ओके सो योगिता ने जो मुझे बोला था कि फालतू मत हंसो, तो गाइस मैं क्या फालतू हंसती हूँ, मैं तो हंसती भी नहीं हूँ, बहुत कम हंसती हूँ। ये इधर ही हंसती है, मेरे सामने तो हंसती नहीं है। ओके कैप्टेंसी टास्क टॉपिक क्यों नहीं उठाया? यस मुझे भी लगा था उठाना चाहिए, जो धक्का हाँ दिया उस बात पे क्यों नहीं मेरे हुआ। ख्याल से पूजा इतना बोल दिया ना, तो अब वो भी सोच रहा है कि चलो ठीक है अब कितना बोलूं मैं, अपना नहीं वो कर मैम लो। वेयर इज योर चश्मा, इट सूट्स यू। सागर पूजा पेड मैं रिव्यू कभी कभी मैं पढ़ पढ़ती चुका हूँ, हूँ, आप बार बार लिख के अभी कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज आप जो बोल रहे हो पेड रिव्यू। शिल्पा की कॉपी है मेघा, शिल्पा आफरीन। की कॉपी है मेघा। ओके घर से बाहर कौन जाएगा आज? घर से बाहर कोई नहीं जाएगा। मुझे लगता है आपको थंबनेल में लिखना चाहिए घर से आज नो इवेक्शन टुडे, यस ठीक है। हम लोग जरूर ऐसा कुछ करेंगे कि टाइटल लिख दे कि आज कोई इवेक्शन नहीं था। रेशम और राजेश ने ऋतुजा को कभी सॉरी नहीं बोला था। रेशम और राजेश ने, यस उसने, वो कभी सॉरी बोल दे तो बहुत बड़ी बात है। हाय मैं आ गया, स्वागत नहीं करोगे हमारा? गणेश, गणेश जी यस स्वागत जरूर करेंगे, बट यू आर टू लेट ओके ऑलरेडी, हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड करने वाले मैं हैं। सिर्फ एक कमेंट पढ़ूंगा, पाटिल विकास का आज का एपिसोड में केवल मेघा को टारगेट किया गया है। यस यस मुझे भी यस लगा, यस विकास वी आर मैच नेम। ओके चलो गाइस यू आर फेक एंड सो योर रिव्यू। एक्स वाई जेड आप भी फेक हो, आपके नाम क्या है, नाम तो बता दो। ओके स्मिता अक्षुरा रश्मि हाय। आपकी स्माइल बहुत ही अच्छी है, जैसे आपके स्माइल को बोला उससे पिंपल आएगा, पिंपल मेरे भी आ रहे हैं, मुझे भी पिंपल हो गए। जैसे साई के पिंपल का मजाक उड़ रहा था ना, साई के पिंपल का, मुझे लगा भाई तो मेरे भी पिंपल के मजाक उड़ेंगे। चलो गाइस ओके गुड नाइट एंड शब्बा ले खैर, जाना शुभ रात्रि। योर तो सॉन्ग प्लीज, अब जतिन बेटा ने बहुत रिक्वेस्ट की हाँ, तो है। मैं वही बता रहा हूँ, तो मैं अब जो है अब हम लोग रिव्यू जो करेंगे, अभी जो हम लोग बातें करेंगे वो टॉपिक से थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा, बिकॉज हम लोग अब गाना पे कंसंट्रेट करेंगे। यस विकास का एक एंड सॉन्ग तो बनता है जिन एक लोगों संडे। को आप लोग जा सकते हो, बिकॉज अगर आपको जाना चाहे तो आप जा सकते हो, बिकॉज हो सकता है गाना आपको उतना सूट ना करे, आपको खराब लगे, इसलिए मैं पहले से रिक्वेस्ट करता हूँ बी वेयर ऑफ द सॉन्ग इफ यू आर ओके नॉट ओके इफ यू सो आर नॉट लिसन टू मी अर्लियर। ओके कौन सा गाना था, मैं बताती हूँ आपको, बट तब तक आप कुछ और कर सकते हो क्या जो कर सकता हूँ? मैं मतलब मेघा ने कितने पैसे दिए हैं तो मैं इसकी बात जरूर करूंगा। मेघा ने एक 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 हमको, मेघा को कहा, हम लोग कांटेक्ट भी नहीं था मेघा, जब मेघा आई ना तो हमको तब पता चला जो उसका पता भी नाम नहीं था मेघा कि है, मेघा कौन सबसे है। पहली बार, ठीक है। और किसी ने कोई पैसे नहीं देते हैं सच बोलने के लिए, कोई पैसे नहीं देता आपको, अगर आप सच बोल रहे हो तो आपको भी कोई पैसे नहीं दिए होंगे, लेकिन आपको मैं क्या बोलूँ, आप तो मुझे खुद ही पीआर लग रहे हो शायद। सो गाने थे एक दिन बीत जाएगा, मीठे के बोल ओके एंड नीले नीले अंबर पे एंड किसी के दर्द मिल सकते यार आप हैं, जतिन, किसी के आपने मतलब आपने मेरी इतनी बड़ी क्लास लगा दी है ना आज, पूरा चुरा एकदम, लिया है तुमने जो दिल तो मैं को, चुरा लिया गाऊंगा, जहां ठीक तेरी है। ये नजर है मेरी जहां मुझे खबर है, ओ साथी रे तेरे बिना क्या जीना। तो ये सारे सॉन्ग के लिस्ट जो भेजे हैं जतिन ने, माय गॉड ये तो जूक बॉक्स बना दिया पूरा एकदम, ठीक है। तो चुरा लिया है अपना, ठीक है। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। और कौन सा? सॉरी मैंने वो हटा दिया कमेंट। ओके यस वेट गाइस, अगर आपके कोई रिक्वेस्ट हो तो आप भेज सकते हो कमेंट के थ्रू, क्योंकि आज नहीं, ऐसा कुछ विकास इज ऑन मूड, नहीं। विकास अभी गाने गाने के मूड में है। ओके सो नीले नीले अंबर पे
नीले नीलंबर पे मुझे लिरिक्स याद नहीं, बट ठीक है। मैं जहाँ तेरी ये नजर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जहाँ मुझे खबर है। अच्छा ये गाना उन लोगों के लिए जो बोलते हैं कि हमारा पेड रिव्यू है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जहाँ मुझे खबर है, बच ना सका कोई आए जितने, लंबे है मेरे हाथ उतने, देख इधर यार ध्यान किधर है, देख इधर यार ध्यान किधर है, जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जहाँ मुझे खबर है। ओके सो नेक्स्ट लास्ट, प्लीज पुराने गाने की लिस्ट तो, नए गाने नहीं चाहिए। कौन सा नया गाना दे रहा है? रेस थ्री, रेस थ्री। विकास नए गाने नहीं सुनता है बिल्कुल भी। मैं सुनता हूँ पर गा नहीं पाऊंगा। श्रीराम आप भी गाओ ना। श्रीराम मैं नहीं गाती हूँ, मैं बहुत कम गाती हूँ, मतलब गाती ही नहीं हूँ। ओके एक गाना मैं गाता हूँ जो मैंने गाया था हाल में, तो वो गाना गाता हूँ मैं, ठीक है? तब तक पढ़ो कमेंट, पढ़ो। मैं पढ़ रही हूँ सबके कमेंट्स। श्रीदेवी का गाने का रिक्वेस्ट आ रहा है, श्रीदेवी का गाना। श्रीदेवी का गाना, श्रीदेवी का गाना मैं कैसे गाऊँ यार? श्रीदेवी ओके सो यू, तुम गा सकते हो जो भी तुमको गाना था अभी। कौन सा गाना गाऊँ यार, भूल जाता हूँ। सर जब आप सॉन्ग सुनाते तो मैम की ओर देख रहे थे, इट वाज लुकिंग सो। हाँ मैं जब उसकी तरफ देखता हूँ मुझे देखती तक नहीं है, मतलब आप में इतना ही लोग खो गई है कि मैं इसको इतने प्यार से देख रहा हूँ कि चलो थोड़ा मैम तो। बट बंस ने रिक्वेस्ट भेजा, जीने लगा हूँ पहले से ज्यादा। नहीं यार बंस ना हो पाई हो, बंस प्लीज पूरा बहुत पुराने गाने भेजो, बहुत पुराने वाला ये अपने दोस्ती वाला गाना मत। सच हुए ये सॉन्ग आप रश्मि जी को देख कर गाओ, अपने प्यार के सपने। मैम बहुत अच्छे लगते, अच्छा विकास okay. बहुत अच्छा गाते हो। अमित जी का एक सॉन्ग गाता हूँ, अमित 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 बच्चन, अमिताभ बच्चन का, मतलब ऐसा कुछ नहीं है बट वो गाता हूँ। कौन सा गाना था यार, हेमा मालिनी, कौन सा गाना था वो, हेमा मालिनी थी एंड अमिताभ बच्चन था, सत्य पे सत्ता का था, याद नहीं मुझे। सत्य पे सत्ता का हेमा मालिनी एंड अमिताभ बच्चन का कौन सा सॉन्ग है प्लीज बताइए। आग लग जाती कुछ तो ऐसा, मैं दिल में आग लगा दूंगा ऐसा कुछ था ना, ना? दिल भर मेरे, ठीक है दिल भर मेरे गा रहा हूँ एंड देन वी विल क्लोज। ओके सो दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़ पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़ पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। एक दिन आएगा प्यार हो जाएगा, हो मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। एक लास्ट लाइन, सोचोगे जब मेरे बारे में गहराइयों में, गिर जाओगे जब मेरी परछाइयों में, सोचोगे जब मेरे बारे में गहराइयों में, गिर जाओगे भी मेरे परछाइयों में, हो दिल मचल जाएगा प्यार हो जाएगा। दिल भर मेरे कब तक मुझे ऐसे ही तड़ पाओगे, मैं आग दिल में लगा दूंगा वो कि पल में पिघल जाओगे। चलो बाय, थैंक यू एवरीवन। नहीं मैं कुछ कमेंट पढ़ना चाहूंगी प्लीज, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे होंगे। यस गुड नाइट, बहुत खूब तो बहुत सारे गाने की रिक्वेस्ट आ रहे हैं। डू वन थिंग, सैटरडे और संडे बहुत सारे गाने की रिक्वेस्ट भेजिए और विकास विल छूकर मेरे मन को, तो प्लीज ये गाना बंस भी बोल रहा है, ये गाना मुझे भी सुनना है। छूकर मेरे मन को, यस ये गाना मुझे भी सुनना है। लिरिक्स मुझे पता नहीं, बट मैं पता है मुझे आप लोगों के बहाने आजकल गाने सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि विकास आजकल बहुत कम गाने लगा है। तो छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम
बदला ये मौसम लग जग प्यारा प्यारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा तू जो कहे जीवन भर तेरे संग मैं गाऊं तेरे संग मैं गाऊं प्रीत ये नैनों के ये मैं अपने अपने से जोड़ रहा हूँ प्रीत ये नैनों के संग जिया जाऊं संग जिया जाऊं तेरे नैनों पे जीवन लगे हर प्यारा छूकर तेरे मन को किया तूने सॉरी मेरे मन को किया तूने क्या तो इग्नोर द लिरिक्स अरे भाई हमारा क्या भाई वैसे आपकी वॉइस सच में बहुत अच्छी है बंस यस वो बहुत अच्छा गाते हैं बदला ये मौसम लगा प्यारा जग सारा सॉरी फॉर द लिरिक्स विकास भाई एक भोजपुरी गाओ मनोज तिवारी का सॉन्ग सुनता था पहले शादी से पहले ओके सो लगावे लू जब लिपस्टिक ही ले राला डिस्ट्रिक्ट जिया टॉप लागे लू कमरिया कमरिया लागे आइटम बॉम ओके चलो अब नाइस नाइस एवरीवन थैंक यू गाइस सीरियसली मुझे नहीं पता था कि विकास को भोजपुरी गाने भी आते हैं एक मराठी सॉन्ग पप्पी दे पारुला सॉरी नारुला मुझे नहीं पता नारुला है पारुला है बट ठीक है चिंगट मुझे नहीं आते सॉरी मैम तुम चुप हो चलो जल्दी से लास्ट तुम गाना गाओ मैम तुम चुप हो मतलब तुम चुप क्यों क्योंकि मुझे गाना नहीं आता पारुला सी पारुला पारुला गाइस मैं हमेशा बोलती हूँ विकास को वो पारुला है और विकास मुझे बोलता है वो नारुला है मुझे लगा नारुला पप्पी दे और विकास मुझे एक्सप्लेन करता है कि नारुला नारुला ऐसे वो कि पप्पू नहीं पप्पी नहीं दे रही है तो नारुला मत रुला पप्पी दे दो मुझे ओके चलो एवरीवन थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो थैंक यू वेरी मच एंड चलो हम कल फिर मिलेंगे एंड बाकी के गाने सैटरडे संडे क्योंकि विकास सिर्फ तभी आते हैं तभी इनके दर्शन होते हैं ओके क्या सर मतलब कहाँ पे क्या सर काय सर ओके आज के फोन कॉल फिक्स आप दोनों की जोड़ी अच्छी है नाइस मिलिन कामले भगवान की कसम आप मत गाना रश्मि जी बंस यस लगता है बंस ने मेरे इंस्टाग्राम के वीडियो देखे ओके तुम चुप बोला क्यों तुम बोल रही नहीं कि तुम बोल नहीं रही यस मैं समझ गई थी वो नो इशू मैं समझ गई थी वो रश्मि आई लव यू प्रशांत ओ You have a lover in the chat. Okay. Nishita, utar ye hangover. We all love Rashmi. We all love Rashmi. First of all, thanks for loving Rashmi and giving her support. Main hamesha aata hu and I really, mujhe aisa lagta hai ki we are really blessed ki hum log aap se baat kar pa rahe. So thank you for keep on supporting yes, us yes, and do subscribe to our channel. Please mere song ko dekh ke hum subscribe mat kijiyega. Rashmi bahut acha review karti hai and thank you everyone. सो बाय बाय थैंक यू गाइज हम कल मिलेंगे एंड प्रशांत रिप्लाई आपके मैसेज मिस हो गए प्रशांत तो मैंने नहीं दिख रहा है और जिन लोगों के हम लोग कमेंट्स लाइव चैट में नहीं पढ़ पाए प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए प्लीज प्लीज बुरा मत मानो गाइज मैं सीरियसली ट्राई करती हूँ कि मैं सबके कमेंट्स पढ़ू राइट यस करेक्ट बट और मैं इवन हम लोग डिस्कस भी करते हैं बाद में भी मैं वीडियो खोल के पूरा खोलती हूँ एंड उसके बाद सबके कमेंट देखती हूँ मैं बोलती हूँ कि शिट ये कमेंट मिस हो गया शिट ये कमेंट मिस हो गया और मीटअप की जहाँ तक बात है मिलिंद वी आर सून प्लानिंग टू अरेंज अ मीटअप यस मुंबई से जाने से पहले पक्का मिल के जाऊंगे पक्का जरूर बताएंगे और हम लोग एक कम्युनिटी सेक्शन होता है जहाँ पे हम लोग जरूर देंगे और वहाँ पे हम सबको इनवाइट करेंगे अपने घर एंड वी ऑल कैन मीट ओके बंस बोल रहे हैं कि हम सब फैमिली मेंबर लगते हैं यस बंस मेरे लिए तो सब आप सब फैमिली मेंबर इसलिए अगर कोई ऐसा बोलता भी है ना कि प्लीज आप लोग अपसेट मत हुआ करो कि मतलब कमेंट नहीं पढ़ रही हूँ ऐसा क्योंकि मैं ट्राई बहुत करती हूँ मिस हो जाते हैं सो उसके लिए आई एम सॉरी बंस ने सही कहा था बिल्कुल फैमिली मेंबर जैसे यस मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है तो चलो गाइस बाय बाय टेक केयर एंड क्योंकि अभी हमने खाना भी नहीं खाया है
तो हम चले अपना यार डिनर खाना नहीं करने। खाया यार नहीं। हम भूल गए थे एक्चुअली, वीडियो के चक्कर में हम भूल गए थे कि हमने डिनर नहीं किया है। तो हम चले डिनर करने, आप लोग भी जिसने भी नहीं किया वो डिनर करो एंड अच्छे से करो, क्योंकि मुंबई में काफी बारिश हो रही है। तो प्लीज अपना 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 सब कोई ध्यान रखना। पकौड़े को पकौड़े, चाय पी लो भाई चाय पी लो, बट ध्यान जरूर रखना प्लीज गाइस, अपना बारिश चाय से बच पी के लो रहना। चलो ठीक है, बाय चलो एवरीवन, बाय बाय, बाय। टेक केयर, गुड नाइट।